सावन महीने का इंतजार शिव भक्तों को बेसब्री से रहता है। इस पवित्र महीने में लोग रुद्राभिषेक कराते हैं और सावन महीने में सभी शिव भक्त व्रत उपवास भी रखते हैं। सावन महीने के सोमवार में व्रत उपवास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भक्त शिव भक्त भक्ति पूर्वक भगवान भोलेनाथ का व्रत उपवास करता है, उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं शीघ्र ही पूरे कर देते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, सावन जैसा कि शुरू हो चुका है लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि सावन में महाशिवरात्रि व्रत कब है। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि कब से शुरू हो रहे हैं सावन के सोमवार के व्रत और हमें कैसी पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है। इस वीडियो में हम आपको सारी बात बताएंगे, तो इसकी बिल्कुल मत करिए, इसकी किए बिना पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सावन के सभी हिंदू महीने में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है सावन का महीना। ये महीना भोले बाबा को अर्पित होता है। इस महीने में संसार से चलने वाले भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निंद्रा में लीन हो जाते हैं। तब भगवान शिव की दृष्टि का संचालन संभालते हैं, मतलब भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं, तब भोले बाबा को इस पृथ्वी का भार संभालना होता है। सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा का बहुत ही महत्व है। ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम समय होता है। उस समय पर सावन के महीने का सोमवार और भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि सावन का पहला सोमवार का व्रत हमें कब रहना है, कब शुरू हो रहा है व्रत और कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस साल सावन के महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है और 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस दौरान आपका सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई 2022 को पड़ रहा है और दूसरा सोमवार आपको पड़ रहा है 25 जुलाई 2022 को पड़ेगा और तीसरा आपका पड़ेगा 1 अगस्त 2022 को पड़ेगा और चौथा सावन का सोमवार आपका पड़ेगा 8 अगस्त 2022 को और पांचवा लास्ट यानी सोमवार व्रत आपका 12 अगस्त को रखा जाएगा। सावन के महीने में 5 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं अब की बार। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं पूजन विधि कि कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है। तो दोस्तों, सावन के सुबह हमको जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प करें। इसके बाद फिर आपको भगवान शिव को जल अभिषेक कराना है। शिव जी को जल पंचामृत यानी दूध दही घी अमृत शहद जैसे अर्पित करनी है सारी सामग्री, क्योंकि उन्हें बेहद ही ये सब सामान प्रिय है। शिव जी को सफ़ेद चंदन फिर लगाना है, अक्षत फूल और सफ़ेद फूल चढ़ाएं और धतूरा बेलपत्र सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना है। उसके बाद धूप दीप दिखाएं, भगवान को मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, वो तो आप जनेऊ और वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद आपको सावन की व्रत की कथा पढ़नी है, आखिरी में आरती करनी है और उसके बाद सभी को प्रसाद बांट देना है। इसके बाद ये व्रत अगर आप पूरे दिन फलाहार लेकर ही रखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी सभी प्रकार की विनती भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी कर देंगे। और यही कुछ लोग एक समय में भोजन करके भी ये व्रत करते हैं लेकिन उनको पूर्ण व्रत फल की प्राप्ति नहीं होती।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे व्रत फल की प्राप्ति हो, शीघ्र ही भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाए, तो मेरी बताई विधि यदि आप पूजा ऐसा करते हैं कि पूरा दिन फलाहार रह के ही व्रत करना और भगवान के प्रिय वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, यदि विधि से आप पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र ही जो भी आपकी मनोकामना होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, भोलेनाथ आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं, आपके घर में कैसी भी परेशानी होगी, कैसा भी कष्ट होगा, शीघ्र ही कट जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको सावन से जुड़ा कोई रहस्य, कोई उपाय, कोई कथा जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।